बेजान ढाल पर जिस अंदाज और सहजता से आप कठिन से कठिन बोल बजा रहे हैं, वो बिना निरंतर गहन अभ्यास के संभव है। आपकी उंगलियां ये बता रही हैं कि इसके पीछे एक महान साधना छिपी हुई है। क्या आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएंगे? मैं जिस संघर्ष से, जिस परेशानी से इस उम्र तक पहुंचा हूं, मैं वो बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। 10 साल की उम्र में हमारे पिता तबला सम्राट बाचा महाराज जी का स्वर्गवास हुआ, जो अपने जमाने के महान कलाकार थे। उनके स्वर्गवास होने के बाद हमारी माँ की परेशानी बढ़ गई जी। ऐसी परेशानी हमारी माँ की बढ़ी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता जी। और हमारे समाज वालों ने हमारा साथ नहीं दिया जी। तो उस वक्त में, जिस वक्त हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ, उस वक्त एक हमारी माँ की बड़ी बहन थी, मौसी जिसको बोलते हैं जी, वह मुझे सांत्वना दिया, मेरी माँ को सांत्वना दिया और मुझे गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद कहा कि क्यों रोती हो तुम, मैं अपने पुत्र से इसको तबला ऐसा बताऊंगा कि एक बार ये हिंदुस्तान में नाम करेगा। उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र का नाम, सेकंड गुरु मेरे थे बिक्कू महाराज जी। अच्छा, बिक्कू महाराज जी हमारे गुरु थे। जब शिक्षा शुरू हुआ, वो शिक्षा देने लगे, तब उसके बाद मैं अपने घर जब आता था तो माँ सांत्वना देती थी कि आप बेटा घबराओ मत, एक रोज तुम बहुत बड़े तबला वादक हो जाओगे, लेकिन तुमको 4 बजे सुबह उठना है, जिस वक्त देवता लोग विद्या बांटते हैं। तो उस वक्त हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, बड़े गरीबी हालत में था उस वक्त। तो मेरी माँ बनिए की दुकान से 400 सुपारी लाती थी और 4 बजे कथरी में से मुझे उठाती थी और डिबरी जलता था और उस वक्त हमको उठाती थी। उठाने के बाद ये सुबह तक मैं धाधा तिथि धाधा तुमना बजाते आया। फिर उसके बाद मुझे उठा देती थी कि बेटा आप बहुत हो चुका। उसके बाद वो बनिए की दुकान पर जाती थी, जहां से 4 आना पैसा उनको मिलता था। आपके परिवार को चलाने में ये आपकी कला कब से सहायक हुई? मैं कहूं, लेकिन आपकी जो परिस्थिति थी वो तो ठीक नहीं थी। हाँ, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं थी। फिर मुझे आर्या समाज की जरूरत में भी तबला बजाना पड़ा। ओहो। और साइलेंट पिक्चर में भी मैंने, गणेश सिनेमा में भी मुझे तबला बजाना पड़ा, जो बद्री प्रसाद जो थे, आज हमारे बीच में नहीं है, बम्बई के। कौन, चरित्र अभिनेता बद्री प्रसाद जी? हाँ। अच्छा जी, वो क्या करते थे? वो हारमोनियम बजाते थे। वो हारमोनियम बजाते जी? हाँ। और वो पिक्चर डगलस फेयरबैंक का पिक्चर था। अच्छा, उस समय जो साइलेंट पिक्चर आता था, साइलेंट पिक्चर था। अच्छा, तो उसमें आप किस तरह से बजाते थे? ये बाय से आते। आपका पहला प्रोग्राम, पहला कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, जिसमें आप सही इस क्षेत्र में स्थापित हुए, इस कला के क्षेत्र में, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? जरूर मैं बताऊंगा। यह इलाहाबाद का सबसे पहला कांग्रेस शुरू हुआ। कांग्रेस मतलब वही बाद में कॉन्फ्रेंस हो गया। अच्छा, एन भट्टाचार्य का, जिसमें आज हमारे बीच में बहुत से बुजुर्ग कलाकार नहीं है, अलाउद्दीन खान साहेब, फाबी गली खान साहेब, फैयाज खान साहेब, चिनायत खान साहेब, अब्दुल करीम खान साहेब, अब्दुल अजीज खान साहेब, इनका भी है। उस समय आप उसमें बजाने गए थे। मुझे कोई नहीं जानता था, मेरा नाम नहीं था। बड़े मजबूरी में पड़ गए। एन भट्टाचार्य चाहे कि पंडित जी, मैंने आपको बुलाया लेकिन कोई आपको नहीं ले रहा है अपने साथ बजवाने के लिए। तब फिर तो अलाउद्दीन खान साहब यही पूछते थे ऑर्गेनाइजर से कि भाई कोई बनारस का तबला वादक आया है? कहे लोगों ने कहा कि एक बच्चा आया है, तो बुलाओ उसको हमारे पास। तो पहला प्रोग्राम के साथ हुआ हमारा, जिससे हमारा नाम स्टार्टिंग हुआ। पहले ही प्रोग्राम में आपको इतने बड़े कलाकार के साथ बजाने का मौका मिला। हम बहुत लोगों के साथ बजाए। कोई ऐसा संगीत कार्यक्रम जो आज तक आपके दिलो दिमाग में रचा बसा हो, उसके बारे में आप बताएंगे? जी हाँ, जरूर मैं बताऊंगा। एक तो मैंने कलकत्ते में विलायत खान साहब के साथ मैंने बजाया था, भारतीय सिनेमा में 5 घंटे तक 20 राग वो बजाए, मैं उनका संगत किया। दूसरा प्रोग्राम 62 में हुआ इंदौर में,
पंडित रविशंकर जी के साथ जी 11 बजे वो शुरू किया और 6 बजे सुबह तक उनके साथ हमारा प्रोग्राम शंकर कंपनी का किया। आप पहली बार विदेश कब गए? 56 में गए। 55 में गुरुदानंद कुरुक्षेत्र आए थे दिल्ली, मेरा परफॉर्मेंस हुआ उनके सामने। अच्छा, उसके बाद 56 में हम गए। 56 में यहाँ वहां का कोई ऐसा यादगार प्रोग्राम जो आपको याद हो? ऐसा आपको तो मालूम है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड का दो ही हाल है, एक तो न्यूयॉर्क में है जी और एक लसा में है, बोलशोई थिएटर जी हाँ, जिसमें 50,000 आदमी के करीब बैठते हैं। अंडरग्राउंड माइक था, बुल्गारियन क्रुश्चेव, मोल्टोव, मार्शल टीटो, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग थे, कर्नल नासिर भी थे। अच्छा जी हाँ, तो इसका मतलब है कि सबसे पहला जो डेलीगेशन गया था उसमें आप गए थे? सबसे बड़ी डेलीगेशन जो अभी तक नहीं गया। अच्छा, उसमें आप किसके किसके साथ बजाए वहाँ? मैं 4 आइटम बजाया, विनायक खान साहब के साथ, सितारा देवी के साथ, बहादुर खान साहब के साथ सोलो। अच्छा, उसमें लोग बड़े ताज्जुब में हो गए, रसन लोग, कि एक आदमी 4 आदमी के साथ कैसे बजाता है। और उसके बाद फिर आप कहाँ कहाँ गए विदेश? उसके साथ में उसके बाद हमने तेहरान फेस्टिवल में हम गए जब साहिल राम थे जी, और फिर उसके बाद हम लंदन 2-2 बार गए, जब हमारे लंदन 65 में भी गए थे, एकदम बड़ा फेस्टिवल में गए थे। अफ्रीका भी शायद आप गए थे? हाँ, नैरोबी, कंपाला, मुंबासा, पूरे अफ्रीका भी हुआ है। फिल्मों में आपको कब से प्रवेश हुआ? जी ऐसा हुआ 49 में टाट बाबा की कॉन्फ्रेंस में वसंत देसाई और वी शांताराम तबला हमारा सुने हीरो सिनेमा में चर्च गेट पर जी। उसके बाद प्लानिंग उन लोगों का हुआ 53 के करीब कि भाई एक गोपी कृष्ण को जब उन लोगों ने रखा तो उस पर उन्हें प्लानिंग हुआ कि भाई तबले में किसको दिया जाए तो मुझे दे दिया। फिर उसके बाद आप किस किस पिक्चर में बजाए? उसके बाद हमने एसडी बर्मन की पिक्चर में बजाया, तेरी सूरत मेरी आंखें। अच्छा, वो जो बहुत गाना मशहूर हुआ, नाचे मरमोरा मदन तिगता दिखते। नाचे मरमोरा मगन तिगता दिखते, नाच मन मोरा मगन तिकता दिखी दिखी, बजरा खिजवाए रुच है दिखी दिखी, नाच मन मोरा मगन तिकता दिखी दिखी, नाच मन मोरा मगन तिकता दिखी दिखी, तिकता दिखी दिखी, तिकता। आपने जैसे फिल्मों में बजाया है बहुत बढ़िया बढ़िया बजाया है, और जिस गाने की भी मैं बात कर रहा था मोहम्मद रफी साहब के नाचे मन मोरा मगन तिगता दिखते, उसमें बाय का काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा साउंड आया है, लोग उससे आकर्षित होते हैं। ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बाया आपने उल्टा क्यों कर दिया? बात यह है कि बाया क्यों हमने उल्टा किया है, जो मैं आप लोगों के सामने ये चीज दिखा रहा हूँ कि जो दुनिया को आउट हो जाएगी, आपने जो हमसे ये बाया के विषय में पूछा है, क्योंकि बहुत लोगों ने आलोचना भी करी है। देखिए सीधा बाया यह है जी, देखिए ये स्याही पर हाथ लड़ता है, स्याही पर उंगली लड़ जा रही जिससे खटखट आवाज हो रही है, आवाज होता है जी। और उलट के बताने में क्या अंदाज है, जरा सा बजाए। आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी उंगलियों का? भाई हमने तो इस्तेमाल किया करके आज दुनिया हमारी नकल बजा रहे हैं। वाह, मैंने उलट तो दिया बनाया, लेकिन उससे इससे कुछ फर्क नहीं, आप बताइए। मैं आपसे कुछ करता नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि कहा जाता है कि आप पूरा बनारस बाज नहीं बजाते,
इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बनारस बाल नहीं बजाते। देखिए, बनारस बाल का और कोई बाज का सवाल इसलिए है, जिस तरह से भाषा चेंज हो जाता है, इस तरह से हमारे घराने में हर चीज बसता आ रहा है। जैसे दिल्ली का कायदा बसता है, वो दिल्ली का कायदा नहीं है, हमारे घराने की कायदा है। वो आपने अपने पिताजी से सीखा या किसी से? पिताजी से, अपने गुरु से। कोई कायदा बजा के सुनाए? हाँ, मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये हमारे बनारस का कायदा है। इसमें चार तरह से घरना का प्रयोग कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। आपने एक आंगुस्ताना कानपुर के जलसे में एक बार बजाया था, मैं वहां पर था और वो बहुत बढ़िया था। इतना सुंदर उसका प्रेजेंटेशन आपका गया है कि हम लोग सब सुन के मुग्ध रह गए थे। और शायद आपने एक कहानी भी कुछ वाजिद अली शाह से संबंधित कुछ बताई थी, क्या आप उस आंगुस्ताना को बजा के कुछ दिखाएंगे? एक पांच ले की गद बजाया करते थे, जरा वो बजा के आप दिखाएंगे? बनारस बाज की कुछ खासियत है पराल। वो पराल तरह तरह से लोग बजाते हैं, आप किस अंदाज से पराल बजाते हैं? ये पराल है क्या चीज? पराल उपज है। उपज का मतलब पराल? उपज जो है जैसे परन 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 तो बंधा हुआ बना हुआ हुआ, लेकिन पराल जो है बंधा हुआ नहीं होता है। तो मैं पराल का कुछ खाका मैं सुना रहा हूं। जरूर जरूर। तालों में कुछ बजाना चाहेंगे? जरूर मैं बजाऊंगा। जरूर। ऐसा है कि लोग गणित बजाते हैं। अच्छा। और मैं लय बजाता हूं। क्या बात? बहुत लोग, मैं आपको पहला चीज पेश कर रहा हूं, मयूर ताल तेरह मात्रे का एक ऐसा ये ताल है जी, जो जिस पर से मोर नाचते हैं। वाह। Thank you.
दूसरी ताल में? मैं धम्मार आपने बहुत लोगों से सुना होगा जी, लेकिन मेरे धम्मार का जो हमारे गुरुओं ने बुजुर्गों ने बताया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बजाएंगे? हाँ, इसको बोलते हैं गणेश का। बजाइए, बहुत बढ़िया। सवारी 15 मात्रे में भी एक आध चीज हो जाए जी। हाँ, पंचम सवारी मैं आपके सामने सुना। से बजा रहे हैं ये बिना बहुत ही मुश्किल और बड़े तैयारी और बड़े रियाज के बाद ये सब बातें आती हैं। आपके परिवारजनों ने इस काम में कहां तक रुचि ली है? हमारे परिवारजनों में 3 लड़के तबला बजाते हैं जी। मैं नाम भी ले सकता हूं? जरूर जरूर बताइए। 3 लड़के तबला बजाते हैं, 1 लड़के हमारे जो है सितार बजाते हैं। अच्छा, और 1 लड़के जो है सर्विस में। अच्छा, मतलब 5 लड़के हैं? 5 लड़के हैं जी। बड़े लड़के हैं कुमारलाल जी जी, जो अच्छे बजा रहे हैं, कैलाश जी। हमारे छोटे लड़के हैं वो भी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। अच्छा, गौरी शंकर भी तबला ठीक बजाते हैं जी। और मेरे घरानी में एक नई चीज ये हुआ, पत्थर को डूब जमा, कि हमारे लड़के रविशंकर जी ने रवि जी सितार का इनको शौक हुआ, सितार साधना दिया। हमारे पिता जो तबला हिया से बजाते थे कमर में बांध के, तो ये डीएवी कॉलेज के उस पार तक उनका तबला सुनाता था, पंचम सुर का। इतने उनकी अंगुलियों में जोर था।
जिसका नाम था तबला सम्राट बाचा महाराज जी। और हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे परदादा परतप्पू महाराज जी ऐसे तबला वादक थे कि जिन्होंने छह धा हुआ बजाते थे, एक धा इसे तबला करते थे तो आप से आप दुर्गा उसमें से धा लगता था। हमारे परदादा ऐसे थे और उनके लड़के तबला सम्राट जगन्नाथ महाराज जी हुए। वो अपनी माँ से पूछते थे कि हम अपने पिता सुए तबले में, तो उनकी माँ ने यही कहा कि अभी तुम अपने पिता से नहीं हुए, अभी तुम्हारे पिता जैसे बजाते थे तबला ऐसे तुम नहीं हुए। बच्चों इस बात पर ध्यान करो, तुम भी कलाकारों के लड़के हो, कि कैसे कैसे दिग्गज लोग थे।